अब तीन नंबर प्रश्न देखना है, एपी 4710... का तीसवां पद कौन होगा। तो तीसवां पद यानी कि जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, तीसरा पद पे 10 है, दूसरा पद पे 7 है, उसी तरह से तीसवां पद पर कौन सा संख्या आएगा यही पूछ रहा है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है, हम ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि दो दो प्रश्न बताना है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहला पद हो जाएगा आपका ए, यानी कि प्रथम पद ए हो जाएगा 4, और सार्व अंतर यानी कि डी, सार्व अंतर डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहला पद को घटा देते हैं, यानी कि ए 2 में माइनस ए 1 कर देंगे। तो ए 2 कितना आपका 7 माइनस ए 1 हो जाएगा 4, ठीक। उसके बाद फिर इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3, तो आपका डी बराबर आ गया 3। अब हमें सूत्र से ज्ञात करना है कि कौन से पद तीसवां आएगा। तो सूत्र होता है इसका ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस वन गुना डी। तो अब देखिए ए एन के जगह पे यानी कि यहां मेरा जो तीसवां पद ना है, तीसवां पद कौन होगा, तो आप एन बराबर लिख सकते हैं यहां पर 30, एन बराबर 30 लिख सकते हैं। तो यहां पर ए एन 30 लिखेंगे बराबर ए का मान कितना आपका 4, तो 4 लिखेंगे प्लस, और एन के जगह एन कितना 30, तो यहां पे 30 लिख देंगे माइनस वन, और गुना फिर डी का मान कितना आपका 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ बराबर दीजिएगा तो ये 4 वैसे उतर जाएगा प्लस, इसमें एक घट जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29 गुना 3 हो जाएगा। अब अगला, अब आगे क्या करना है, 4 प्लस इसको गुना करिए तो 9 तिया 27, 27 करो 7 बाकी 2, और फिर हो जाएगा 3 गुना 6 2 8 यानी कि 87 हो गया। अब 87 में जोड़ दीजिए 7 4 11 1 बाकी 1 91, यानी कि आपका तीसवां पद जो है कि 91 आएगा। अब दूसरा पद देखिए सेम इसी से उल्टा ये है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि 78 यानी कि देखिए एपी 3 8 13 18... कौन सा पद 78 है, यानी कि इसमें पूछा गया कि ये 78वां पद जो आएगा ना कौन से नंबर पे आएगा, कौन से पद पर आएगा। तो देखिए सेम उसी तरह से बनेगा, इसमें पहला पद क्या मानेंगे बराबर 3, और सार्व अंतर यानी कि डी कैसे निकालेंगे, यानी कि दूसरे पद में दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद कितना आपका 8, दूसरा पद है आपका 8 माइनस पहला पद है 3, तो घट के कितना आ जाएगा डी बराबर यानी सार्व अंतर 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब देखिए हमको ये पद मतलब टोटल मतलब ये 78 पद दे दिया है यानी कि ए एन दे दिया है, तो ए एन कितना जाएगा आपका 78। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर सूत्र से अब लगा दीजिए, अब सूत्र लगाइएगा तो क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस, ए प्लस उसके बाद एन माइनस वन और डी यानी कि सार्व अंतर। तो अब इसका मान टोटल हमको दिया गया 78 लिख दीजिए यहाँ पर बराबर, उसके बाद ए का मान कितना है 3, 3 लिखिए प्लस, उसके बाद फिर यहाँ एन का मान नहीं दिया है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और डी का मान कितना आपका 5, तो 5 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे इन तीन को इधर भेज देंगे, तीन को बराबर का इस तरह भेजेंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बराबर, इधर आपका क्या रह गया एन माइनस वन और इंटू में 5 रह गया। अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 75, तो 75 बराबर हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर एन माइनस वन और 5। अब देखिए ये गुना में है तो इसको इधर लाएंगे तो भागा में यानी बटे में चल जाएगा, ये तो आप सामने सामने भी कटा सकते हैं, तो ये कट जाएगा आपका 15 बार 15 5 75 सामने सामने कट जाएगा यानी कि 15 बार में कट गया। तो अब आपका बच गया कितना 15 बराबर ये एन माइनस वन बच गया। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस वन को इधर करिएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि 15 प्लस एक माइनस में इधर बराबर किस तरफ लाएंगे तो प्लस में जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा बराबर यहाँ पे एन, तो इसको आप जोड़ दीजिए कितना हो गया 16, यानी कि आपका एन बराबर आ गया 16, यानी कि 16वें स्थान पर ये जो है कि 78 पद है, यानी कि 16वां पद पर 78 आएगा आपका। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अगले प्रश्न की ओर। एपी 10 7 4 डॉट 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 डॉट
तीसवां पद क्या होगा, यानी कि पहला पद है आपका 10, दूसरा पद है आपका 7, तीसरा पद है 4, तो चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, इस तरह से तीसवां पद हमको पूछा है डायरेक्ट। तो इसके बनाने क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव है, तीसवां पद में जो आएगा वो संख्या इसमें मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो जल्दीबाजी में इसे बनाना है। प्रथम पद ए मानेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, और सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि डी, तो सार्व अंतर डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में पहला को घटा करके, तो दूसरा कितना यानी कि ए टू माइनस ए वन, तो ये हो जाएगा ए टू कितना आपका 7, तो 7 लिख लेंगे, उसके बाद माइनस ए वन कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। और हमको तीसवा यानी कि तीसवा पद निकालना है, यानी एन बराबर हो गया आपका 30, एन बराबर 30 हो गया, और हमको तीसवा पद याद करना है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, ये सूत्र याद रखिए या पहले से आप लोग को याद होगा, तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट अंदर वन माइनस और सार्व अंतर यानी कि डी हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे ए एन के जगह पे तीसवां पद ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि तीसवां पद ज्ञात कर रहे हैं, बराबर यहां पर हो जाएगा आपका ए का मान कितना है 10, तो 10 प्लस एन का मान 30, तो 30 माइनस 1 और इसका मान कितना निकला था माइनस 3, यानी कि गुना दे करके माइनस 3। तो अब यहाँ डायरेक्ट इसको बार बार नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 30 में गया तो 29 गुना माइनस 3, तो अब क्या होगा यहाँ पर गुना होगा, तो 10 10 इसको गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 या 27 किलो 7 बाकी 2 3 9 6 2 8 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा ये आपका यानी कि 10 घट जाएगा तो -77, तो -77 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, सेम उसी तरह से है कि एपी यानी कि पहला पद कितना आपका A1 कितना है -3, A2 कितना है -1/2 और फिर 2, फिर डॉट 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 का 11वां पद पूछा गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट ए बराबर कितना हो जाएगा -3 और फिर D बराबर निकालना है, तो D बराबर यानी कि A2 में A1 करेंगे, तो बराबर में A2 कितना है -1/2 और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर -3, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 और ब्रैकेट टूटेगा तो +3 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह को क्या करेंगे, यहां से एलसीएम लीजिए या आप ऐसे भी बना सकते हैं, बात बराबर है 3 × 6 में -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 क्या आ गया डी का मान। अब हमें सूत्र से ज्ञात करना है, यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा आपका 11, तो सूत्र क्या होता है यहाँ पे आगे लिखा गया ये, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है, तो ए एन एन के जगह पे 11 बराबर ए का मान कितना है -3, तो -3 प्लस और एन का मान 11, एन का मान 11 -1 और फिर गुना इसका मान कितना है 5/2 हो गया, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा -3 प्लस ये घट के कितना हो जाएगा 10 गुना 5/2, तो ये कट जाएगा 10 पांच बार कट जाएगा, तो ये -3 प्लस 25 हो जाएगा, गुना करके 25, तो 25 में माइनस इसको 25 को आगे कर दिया, -3 कर दीजिए, तो अब कितना हो गया ये हो जाएगा सिर्फ 22, तो आपका 22 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी 22, यानी कि 11वां पद जो आएगा 22 आएगा और इसका 30वां पद जो है कि -77 आएगा, इसका 30वां पद -77 आएगा और इसका 11वां पद 22 आएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे समांतर से।